नमस्कार दोस्तों, मैं स्वयं सर और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव 100 न्यूज। यूपी लाइव 100 न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिविक टीम प्रभारी बहरेज को मिली बड़ी सफलता। अंतर जनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार, भारी मात्रा में सोना व चांदी के जेवरात बरामद। जनपद बहरेज में हो रहे चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाते हेतु पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर अजय प्रताप, जिला अधिकारी प्रयागपुर के निकट परीक्षण दिनांक 1/9/2019 को प्रभारी निरीक्षण प्रयागपुर राजकुमार सरोज व निरीक्षक जय नारायण शुक्ला, प्रभारी सर्विलांस के संयुक्त टीम द्वारा समय 2:45 पर थाना क्षेत्र प्रयागपुर से हुजूरपुर जाने वाली सड़क पर रेलवे लाइन से आगे भूपनगंज जाने वाली सड़क के तरह पर अंतर जनपदीय साथी चोर शर्मा पुत्र अश्विन सोहन निवासी डिनुआ थाना रियूसा जनपद सीतापुर, दो हरीश चौहान पुत्र पुत्तीलाल निवासी इच्छा थाना तोबरा जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे में से सोना चांदी के भारी मात्रा में चोरी किया गया। जेवरात व नकदी रुपए तथा चोरी के पैसे से खरीदे गए मोटरसाइकिल व 1 अदद तमंचा, 3 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोरे तथा चोरी करने का उपकरण बरामद है। अभियुक्तगण उपरांत अपने साथी के बच्छराज चौहान के साथ जनपद सीतापुर में मोटरसाइकिल के आकर विगत 4 माह से थाना क्षेत्र के थाना पयागपुर हुजूरपुर रानीपुर कोतवाली देहात व थाना क्षेत्र के हरदी में पदार्थ व चादर बेचने के बहाने रैंकी कर उसी रात में चिन्हित किया गया। घरों में चोरी की घटना के अंजाम दिया जाता रहा। आयुक्तगण द्वारा यह बताया गया है कि जिन गांव में रैंकी व चोरी की घटना अंजाम दिया जाने था उनसे 4-5 किलोमीटर पहले ही अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते थे ताकि उन्हें मोबाइल फोन की लोकेशन घटना वाले स्थान पर न मिल सके। चोरी की जेवरात बिसवा को दो सुनार बेचते रहे जो स्थानीय बदल कर चोरी का जेवरात खरीदते। आज अभियुक्तगढ़ जनपद में गोंडा में चोरी के जेवरात बेचने हेतु जा रहे थे। एसओजी की टीम और प्रयागपुर की टीम ने काफी बड़ा खुलासा किया है, चोरियों की घटनाओं का खुलासा हुआ है। आखिर में चोर इसमें पकड़े गए हैं, साथियों चोर बताया जा रहा है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? जनपद बहराइच में विगत 3 माह में नकबजनी की घटनाएं काफी संख्या में विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई थी, जिस पर पिछले 2 महीनों से स्वाट की टीम में विभिन्न थाना क्षेत्रों की टीम लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी। आज बहराइच पुलिस को इसमें बड़ी सफलता मिली है, जिसमें दो अपराधी शर्मा व हरीश जो कि जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से अपराध कर रहे हैं, 20 से भी ज्यादा मुकदमे इन लोगों के ऊपर पहले से दर्ज हैं, जेल जा चुके हैं, उनकी अरेस्टिंग हुई है। इन लोगों के द्वारा घटना करने से पहले संबंधित गांव व घर की रेकी की जाती थी, फेरी वाले बनकर चद्दर बेचने या पर्दे बेचने वाले के बनकर रात्रि के समय के घर के पीछे से जीने के ऊपर से आकर घटना कारित की जाती थी और फिर अगले दिन दूसरे थाना क्षेत्र को टारगेट किया जाता था। इनकी अरेस्टिंग के साथ साथ इनके पास से भारी संख्या में कीमती आभूषण जो कि चोरी गए थे वो बरामद हुए हैं, भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है, घटना में उपयुक्त मोटरसाइकिल व घटना कारित करने के लिए जो औजार हैं वो बरामद हुए हैं। इनकी जो घटनाएं हैं वो बेसिकली थाना प्रयागपुर में, थाना कोतवाली देहात में, हरदी हुजूरपुर में और रानीपुर में, इसमें इन घटनाओं का खुलासा हुआ है। इनके ऊपर पहले से जनपद लखनऊ व जनपद बाराबंकी और 10 मुकदमे जनपद सीतापुर से ऑलरेडी पंजीकृत हैं। जनपद गोंडा, सुल्तानपुर और गोरखपुर तक के जनपदों में इनके द्वारा घटनाएं की गई हैं, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनकी अरेस्टिंग से इस क्षेत्र में होने वाली नकबजनी की घटनाओं पर नकेल लगेगी। हमारे ही स्वाट टीम और थाना प्रयागपुर की टीम द्वारा जो परिश्रम किया गया है जिससे ये अपराधी पकड़े गए हैं, इसकी हौसला अफजाई के लिए इनको 10,000 रूपये का नगद इनाम जो है मेरे द्वारा घोषित किया गया। इनके पास काफी माल अभी ये इनके गिरोह में ये 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, बल्कि परंतु इनका गिरोह जो है काफी बड़ा है। नकबजनी करने में इनके साथी व जिनको ये माल बेचते थे वो भी साथी अभी ट्रेस हुए हैं, उनके बारे में भी टीम जो है वो रवाना की गई है, जल्दी ही उनको अरेस्ट किया जाएगा और जब वो अरेस्ट होंगे तो उनके पास से और भी माल की जो बरामद हुई है वो होनी अभी शेष है। ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।